like a bomb in your mouth. That looked like something else. बड़ा पसंद है कि मैं इंडिया से बाहर आके मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज सारी चीजें ट्राई करूं, बिकॉज़ इनका मेन्यू बहुत अलग है. तो आज हम आ गए हैं बर्गर किंग में. डबल बेकन पोक, काओ गाई जॉ प्लस वन स्पाइसी कोरियन फ्राइड चिकन एंड वन कोक एंड रेगुलर फ्रेंच फ्राइज फॉर ज़ाहिल नारंग. सो लेट्स ऑर्डर दिस. फर्स्ट आई एम ट्राइंग बर्गर किंग बिकॉज यहाँ पे ना बहुत भूख लग रही थी और हमें सड़कों पे कुछ मिल नहीं रहा था. आई एम डाइंग टू हैव देयर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स. मैं सब ट्राई करूँगी बेस्टीज और मैं दिखाती हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे. एंड दिस इज माय मील. सो हमने आपको दिखा दिया क्या क्या. एक सेकेंड रुको, ये देखो यूट्यूब कर ये आधी रात. और ये है, ये क्या है, फ्राइड चिकन है और हमारे पास बर्गर है. सो लेट्स हैव इट. What do you want to try first? First, I want to try the fried chicken. This is Korean fried chicken, not normal one. अच्छा इसका नाम वही था. हाँ, देखते हैं क्या है. Korean है कि नहीं इतना मैं बताऊँगा. Korean है आप बताओ. हमने तो खाया authentic वाला. मेरे को तो पसंद नहीं आया. इसमें greens है ना, कितना गंदा है ये भाई. No. A big no. I can't have this. I think your sauce is good. Why is it tasty? Yeah, yeah. Burger King fries are really good. I mean, in India, they're a little short, but here, McDonald's too. Oh yeah. Hello. Hmm. Okay. It is sauce. Yum. अब खा के बता दो कि कैसा है. मेरा इतना मन कर रहा है राइस वगैरह खाने का. हम ले रहे हैं पहली बाइट. See, that's why I don't buy all these things. Now you know. I want to try something new. The sauce is so bad. I'm gonna have the burger now. Okay. कुछ तो अच्छा होगा इस दुनिया में. कुछ तो उम्मीद लेके. देख तो बहुत टेंशन रखा है. Oh, what is that? इसमें क्या है? ये क्या है ऊपर? ये bacon. Bacon है. Wow. हाँ. How's it? Looks tempting. Okay, eat and then speak. Yeah. 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 You like it? और हमने ऑर्डर कर दिया है. खाते हुए आ रहे पहले. ये है मैकडॉनल्ड्स. यहाँ पे हमारे पास है आइस टी जो कि बहुत ही यम्मी है. लेमन आइस टी है इनके पास. और जो ये पाई है कुछ, ये खाने का बहुत मन है. फ्राइज और चिकन नगेट्स, लाइक सेम ही है नगेट्स. तो ये हमने मंगाया है पोक बर्गर. तो देखते हैं कितना डिफरेंट है इंडिया और यहाँ के. में खा के देखते हैं. सिर्फ यहाँ की बड़ी अलग सी दिख रही है. केजुन सॉस एंड दिस वन इज हॉट बारबेक्यू. हॉट बारबेक्यू सॉस. केजुन सॉस बाद में बताऊंगा, पहले खा. दिस इज स्वीट चिली सॉस. पहले फ्राइज खाते हैं. सो दिस इज ऑल. हाय. कूल. हां, डूइंग वेरी गुड. ओह, इट वाज वेरी गुड. पहले हम खाएंगे. फ्राइज तो सेम ही है, उसको पहले लॉ है. चिकन नगर दिखने में बिल्कुल सेम है. मस्टर्ड जैसा, बट It's like sweet mustard.
But this is spicy barbecue. Not bad, huh? Chicken. Chicken or pork? It's pie with ice cream. It's basically pineapple pie with ice cream. Yes. Ooh. It's like a bomb in your mouth. That looked like something else. Mm. Yum. It's not. I don't know. It's not that weird. Should be good. It's good. Good. So, bestie, aaj hum aa gaye hain. Starbucks. Starbucks. Main yahan ka Starbucks aapko try karke bataungi. कि कैसा है. मैं ऑर्डर करना है वो पिंक कलर की जो है पिंक फोकस पिंक ड्रिंक विद स्ट्रॉबेरी. मैं को ये तो पिंक वाली पीनी है. खाने में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए बिकॉज आई डोंट लाइक एनीथिंग हियर तो विल ओनली ड्रिंक. तो बाली का जो स्टारबक्स है वो काफ़ी चीप है इंडिया के कंपेरिजन बट यहाँ का स्टारबक्स सेम प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है. कोकोनट मिल गया तो थोड़ा लाइट ही रहेगा. मुझे पसंद है बहुत ही लाइट मीठा है ये. ठीक है और इसके अंदर ऐसा मतलब इट्स लाइक यू आर ड्रिंकिंग अ वाटर थोड़ा जिसमें हल्का सा शुगर है और हल्का सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दैट्स इट. ट्राई दिस वन. दिस इज माचा विद वाइट चॉकलेट. दिस इज द थिक वन. आई लव वाइट चॉकलेट एंड आई नो यू लाइक माचा एज वेल. कॉफी नहीं है इसमें. इसमें है कॉफी. उस पे लिखा तो नहीं था. इट्स गुड बट इसमें कॉफी है. ओह गॉड माइन इज बेटर. ड्रिंक्स का आफ्टर टेस्ट बहुत ही गंदा है तो हम इसको फेंकने वाले हैं. वैसे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है इनमें बट वी डोंट वांट टू ड्रिंक दिस. सो आज हम जा रहे हैं KFC. बहुत मन कर रहा है काफ़ी दिन से KFC खाया नहीं है. इंडिया के KFC में ना एक बात है कि आप KFC का एक मील खा लो फिर आपको रात तक भूख नहीं लगती. बट लेट्स सी यहाँ के KFC का क्या हाल है. KFC सिर्फ मुझे ही नहीं सबको बहुत पसंद है. लुक एट द भीड़. मैं डिसाइड कर रही हूँ तक मुझे क्या खाना है. हियर इज माय ऑर्डर एंड काफ़ी दिक्कतों के बाद खाने को मिला है. आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव दिस. ये कुछ अलग सा This है या प्राइस के नाम पे इन्होंने हमारे साथ तो नहीं रेगुलर स्मॉल प्राइस ही थे इस पैकेज में. वाओ ओके. स्मोक चिली फ्लेवर्ड सॉस. ये कुछ अलग है इंडिया में ऐसा नहीं मिलता है. और ये देख सकते हो आप लोग ये तो नॉर्मल अपने वाला ही लग रहा है. ये तो अपने वाला ही है. ये स्पाइसी है. ये भी स्पाइसी है. लुक स्पाइसी. और ये राइस भी कुछ यम्मी लग रहा है. लेट्स हैव दिस. ये सॉस तो मस्टर्ड सा दिख रहा है. स्पाइसी लिखा हुआ है. आई होप ये स्पाइसी भी उतना ही हो क्योंकि चिप्स में तो ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं. ओके okay. दूसरी वाली भी खोल के देखो ना साइड में खोलना क्या पता अलग हो. मस्टर्ड ही है. सेम है तो बाद में खोलूंगी. हो गया
तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसे, ये तो बोनलेस है ना। दीज आर टेंडर्स, टेंडर्स इसे लगा था ओरिजिनल रेसिपी टेंडर्स। वेरी हॉट, वो चिली सॉस है ऑरेंज वाली बाय द वे, साथ में केचप भी है। इंडिया में मिलता है उससे बोल तो एरिया टेस्ट में पता नहीं स्पाइसी हो गए नहीं। बिरयानी बोल के नाम से आता ना वैसे इनका ही, लेकिन इसमें स्टिकी राइस है, अपने में ऑलरेडी कुक्ड राइस होते हैं ना प्रॉपर मसाले वाले। इसमें राइस है और प्याज है और ऐसा लगता है जैसे कोई चटनी है, तिल की चटनी जैसे कि बारे में मम्मी बनाती है ना वैसी। खा के बताती कैसे हमारे लिए नहीं है, तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। मत करना, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। राइस और मत खाना, बाकी सब बढ़िया है। हाँ कि डोमिनोज की बेस्ट बात है कि अगर आप चार स्लाइस अलग अलग लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। लुक एट दिस, इज़न्ट इट अमेजिंग। अलग अलग पिज़्ज़ा के एक ही पिज़्ज़ा में मज़े। बट हमने ऑर्डर करा है चिकन ओपा एंड वी लव पेपरोनी, अल्टीमेट पेपरोनी हाफ हाफ। लेट्स सी वो कैसे बनाते हैं। और जैसे बेकन स्पाइसी कोरियन स्पेगेटी, और हमने इसमें डिसाइड नहीं किया जो मिल जाए। और ये सबसे इंटरेस्टिंग सा है ये पनीर। यहाँ की सेटिंग इतनी छोटी है ना, देखो हार्डली चार सीट लगी हुई है, बहुत ही छोटा है। बट मैंने पूरे बैंकॉक में, जब मैं घूमी हूँ पूरे बैंकॉक तो नहीं घूमी हूँ, और अभी पटाया में जितना घूमी मैंने सब एक ही डोमिनोज देखा है ना अभी तक। एक ही डोमिनोज बहुत छोटा है, मैं थोड़ा अनबॉक्सिंग करूँगी। मैंने इसमें देखते ही खुला हुआ है। ये स्पाइसी है। हाँ ये सबसे स्पाइसी वाली ही बोली थी उसने। मैं तो स्पेगेटी। स्पेगेटी ये रही? हाँ। लुक्स लाइक यम्मी।
मेरी थोड़ी कम है. Good enough for us. Enough for both. How much it cost? Total bill? 420 bucks. This is the half and half pizza. Half this is it? Yes. Can you know, 6 pieces are there? Yes, 6 pieces. I like that. So, start with chicken. Start with chicken. So you want? थोड़ा थोड़ा टेस्ट बुलडक जैसा है. स्वीट एंड स्पाइसी थोड़ा थोड़ा बुलडक जैसा टेस्ट है. मैं तभी कहती हूँ सॉस अच्छा है. सॉस अच्छा. खाते हैं स्पेगेटी. देखो इंडिया में तो मिलता नहीं है डोमिनोज में स्पेगेटी. यहाँ खा के बताती हूँ कैसा है. इसकी सॉस ही नीचे है सारी. Let me have another bite with sauce. थोड़े हार्ड है स्पेगेटी वैसे होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा हार्ड है. बट इसका मसाला बहुत अच्छा है. सो इंडिया में ना आपको ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा. उस पर पुरानी पिज्ज़ा मिलता है बट आई थिंक आई डोंट नो यहाँ का टेस्ट करके देखते हैं. पहले हम खाते हैं ये वाला पिज्ज़ा. It's like a sweet and spicy. जैसा कोरियन चीज़ों का टेस्ट करता है. पेपरोनी पिज़्ज़ा माय ऑल टाइम फेवरेट. जो इंडिया में पेपरोनी पिज़्ज़ा होता है डोमिनोज का वो चिकन पेपरोनी होती है. तभी ये प्रॉपर पोर्क पेपरोनी है. Now it's time to have the dessert. बहुत अच्छा था. मेरे को अभी तक तो बहुत पसंद आया डोमिनोज. वैसे मैं इतना डोमिनोज मेरे को पसंद नहीं है बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके अंदर फिलिंग है ये देखिए. ये है बनाना. इसकी रहती शेप है गार्लिक ब्रेड जैसे हमारे आती है ना बट चॉकलेट. सिर्फ गार्लिक ब्रेड है. गार्लिक ब्रेड के अंदर है बनाना. गार्लिक थोड़ी होगा स्वीट है तो. हाँ उनकी ब्रेड के अंदर है बनाना और ऊपर से है लॉट ऑफ चॉकलेट एंड आइसिंग. इट्स गुड बट माइंड ब्लोइंग नहीं है. This is some banana chocolate pie. Intense banana chocolate pie. लोग भी पूछ रहे हैं मुझे लेके खाते हुए. But it's not that mind blowing. It's good, है ना? What's your thought? ठीक ठीक है ऐसा कुछ. Mind blowing से नहीं है. Mind blowing नहीं है. मैं सोच रही थी mind blowing होगा. यार मेरे को तो बनाना पसंद भी नहीं है but to be honest. ओ तभी. मैंने सब कुछ खाया. मैकडोनल्ड्स खाया, सब खाया वहाँ पे. बर्गर किंग, स्टारबक्स, केएफसी. बट आई लाइक द बर्गर किंग द मोस्ट. अभी हम बर्गर किंग से ही एक बर्गर लेकर आए हैं. ये सबसे बेस्ट था. अगर आप कभी भी थाईलैंड जाते हो और बर्गर किंग ज़रूर ट्राई करना वहाँ पे. सो शेयर्स बेस्टी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इग्नोर माई पिम्पल्स. लव यू. बाई.